नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार चैट। दल बदलू नेता की दादागिरी, मौनी महात्मा की हत्या का क्या प्रयास। भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं के हित में कार्य करने वाली पार्टी कही जाती है, लेकिन सत्ता की भूख और लालसा ने भारतीय जनता पार्टी को इस कदर हालातों से समझौता करने पर मजबूर कर दिया है कि बाहर के दल से आए हुए नेताओं को भी अपने यहाँ शरण देने से परहेज नहीं कर पाए। अन्य दलों से आई पार्टी के नेताओं ने जिस तरह से अपनी पार्टी की लुटिया डुबोने का कार्य किया है, वही कार्य भारतीय जनता पार्टी के अंदर घुसकर ऐसे नेता अपने कृत्य को अंजाम दे रहे हैं। जी हां, एक ऐसा ही मामला अमेठी जनपद में आया, जहां शिव योगी मुनि महाराज योगेश्वर सगरा आश्रम बाबूगंज गौरी अमेठी की हत्या के षड्यंत्र के विरुद्ध राज्यपाल और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को ज्ञापन मुनि महाराज उचाहार ने दिया। मौनी महाराज ने बताया कि उचाहार में चौरा बुजुर्ग नामक स्थान पर मठ है, जिस पर दबंगई से कब्जा किया जा रहा है। वहीं स्थान को बचाने के लिए मौनी महाराज गए थे, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा उनकी हत्या का प्रयास किया गया। मौनी महाराज ने सीधे सीधे आरोप लगाया है कि सत्ता में मौजूद मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा उनकी हत्या का प्रयास कराया गया, जिसका ज्ञापन जिला अधिकारी अमेठी शकुंतला गौतम को भी दिया गया है। ज्ञापन में अमेठी के भाजपा पूर्व जिला अध्यक्ष उमा शंकर पांडे और अनेक भक्तगण मौजूद थे। वह दिन दूर नहीं है जो दल बदलू नेताओं की दादागिरी से भारतीय जनता पार्टी की लुटिया शीघ्र अति शीघ्र डूबेगी। समाचार जेट के लिए अमेठी से आशीष सिंह की रिपोर्ट। महाराज, क्या मामला है, किस मामले को लेकर के ज्ञापन दिया है? मैं यहाँ जो ज्ञापन देने आया हूँ वो मेरे प्राण रक्षा के निमित्त का ज्ञापन है। इसी उजले से लगा हुआ रायबरेली एक जनपद है, जहां ऊंचाहार की एक तहसील है। इटौरा बुजुर्ग एक स्थान है, जहां पर पहले भी कई लोगों की हत्याएं काट काट के हुई थी। वह वही आपराधिक क्षेत्र है। वहां एक आश्रम है, राम जानकी मंदिर, जिसका मुझे श्री महंत बनाया गया है। 21 तारीख को मेरा पट्टाभिषेक वहां था। वहां से मैं जैसे प्रयाग से वापस रात में आया हूँ, सुबह लगभग 9 बजे के आसपास बिना नंबर बोलेरो गाड़ी से 4 अपराधीगण मेरे आश्रम में प्रवेश करते हैं और अपने को एक बड़े अधिकारी जैसे, वो आतंकवादी के रूप में नहीं आधिकारिक रूप में अपने आप को पेश करते हैं, मानसिक रूप से हम पर दबाव बनाते हैं। जब मेरे पास वो बैठ जाते हैं तो मेरी गला दबा के मार डालने का प्रयास करते हैं। जब मैं आवाज लगाता हूँ वो भागते हैं। उसकी सूचना मैं जब देता हूँ थाना कोतवाली जायज को, लोग पकड़े जाते हैं और गौरीगंज में FIR होने के बाद उनको शाम को छोड़ दिया जाता है। जब मैं उनके बारे में जानकारी करता हूँ तो सारे लोग उस क्षेत्र के निकलते हैं जहां से मेरा कोई संबंध नहीं है। ये हमें माना जा रहा है कि सारे षड्यंत्रकारी मेरी हत्या की नियत से नहीं बल्कि हत्या करने ही आए थे और उसमें किसी दबंग व्यक्ति का उनके ऊपर हाथ है, लगता है सत्ता पक्ष के लोगों का हाथ है। वहां के श्री महान जी बता रहे हैं महाराज कि जिन लोगों का उनके ऊपर हाथ है वो बड़े दबंग हैं, उन्हीं लोगों ने उस मठ की 11 बीघे जमीन पर कब्जा किया है, जिसके कारण ये सारे उपद्रव वहां बराबर हो रहे हैं और अब मेरी हत्या किसी भी क्षण हो सकती है। इसलिए प्रशासन को बताना था, शासन को बताना था, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय गवर्नर साहब को मैंने ज्ञापन दिया है। प्रशासन को मैंने आगाह किया कि यदि मेरी हत्या होती है, जो लोग भी मेरे इस कार्यक्रम में आए थे उन्हीं लोगों को निश्चित रूप से जिम्मेदार माना जाए और उन्हीं लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, और यदि मेरी हत्या होती है तो उसमें प्रशासन की लापरवाही भी फिर मानी जाएगी, क्योंकि अगर बताने के बाद भी मेरी व्यवस्था सुरक्षित नहीं होती, मेरे आश्रम सुरक्षित नहीं होते, क्योंकि हमें यहाँ से प्रयाग जाना है, प्रयाग में कार्यक्रम है, वहाँ 11 लाख दीपों का प्रज्वलन होना है, 11 लाख दीपों का प्रज्वलन होना है जो राम जानकी मतलब राम मंदिर निर्माण के लिए है। हमें प्रयाग के प्रस्थान करने के पहले ये आपको ज्ञापन देना था, आप सबके माध्यम से बताना था। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहता हूँ कि वह यह जो गलत संदेश पूरे देश में जा रहा है कि साधुओं के मठ कब्जा हो रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं से आपके सत्ता पक्ष के मंत्रियों की चर्चा आ रही है, और उसमें जो हम खुल के कह देना चाहते हैं उसमें सारी चर्चा जो आ रही है वो रायबरेली के एक विधायक हैं जो बसपा में पूर्व मंत्री थे, नाम लेना पसंद नहीं करते लोगों का, तो जो बसपा में पूर्व मंत्री थे, इसमें भाजपा में भी कैबिनेट मंत्री हैं, सारे गुर्गे उन्हीं के पकड़े जा रहे हैं, उन्हीं के सारा षड्यंत्र है। इसलिए तत्काल सरकार को विचार करना चाहिए और उन गुर्गों से महात्माओं के मठ को खाली कराना चाहिए और हत्या करने की साजिश करने वालों को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं यह पूरा मामला धर्म संसद में हम उठाएंगे और प्रयास करेंगे एक बड़ा आंदोलन बनेगा, क्योंकि संतों को मारने वाले लोग अगर सुरक्षित रहेंगे, मठ पर कब्जा करने वाले लोग मठ पर कब्जा करते रहेंगे और हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी मठ खाली नहीं होगा, आंदोलन जारी रहेगा। हम रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन संत समाज इस आंदोलन को जीवित रखेगा। ये आपका इशारा कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ तो नहीं? स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य का है,
क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य लिखित रूप से पहले वाले हत्या में जब सत्यनारायण दास जीवराज की हत्या हुई है उन्होंने ही पूरी पैरवी करके पोस्टमार्टम नहीं होने दिया है, उन्होंने ही समाधि करवा के संत की हत्या का मामला खत्म करा दिया है। 302 के मुलजिम जो बीएन ने पकड़ा गया था उसको उन्होंने बचाने का प्रयास किया था, आज भी बीएन 302 का मुलजिम था लेकिन सरकार ने उसको बचाया।